आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आते ही राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और पार्टी के वरिष्ठ नेता फयाज अहमद को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, लालू यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती से आरजेडी के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर फयाज अहमद ज्यादा अमीर है। राजद से दूसरी बार मीसा भारती राज्यसभा सांसद बनेंगी तो राजद के पूर्व विधायक और मेडिकल बीएड कॉलेज के मालिक फयाज अहमद पहली बार राज्यसभा सांसद बनेंगे। दोनों ने राजद कोटे से शुक्रवार को विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन किया। नामांकन के हलफनामे में उन्होंने जो जिक्र किया है उसके मुताबिक डॉक्टर मीसा भारती 9,46,00,000 रुपए की मालकिन है तो डॉक्टर फयाज 12,25,00,000 रुपए के स्वामी है। डॉक्टर मीसा MBBS डिग्री होल्डर है तो डॉक्टर फयाज PhD होल्डर है। डॉक्टर मीसा भारती के नाम कुल अचल संपत्ति 1,46,00,000 की है तो पति शैलेश के नाम 47,50,000 की है। बेटियां दुर्गा और गौरी भारती के नाम 1,26,00,000 की अचल संपत्ति है। वही मीसा भारती के नाम कुल चल संपत्ति 1,69,00,000 की है तो पति शैलेश के नाम 4,14,00,000 की है। बेटियां दुर्गा और गौरी भारती के नाम 42,43,000 की चल संपत्ति है। मीसा भारती पर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार, चुनाव से जुड़े खर्च का उल्लंघन और ट्रैफिक रूल के उल्लंघन का केस दर्ज है। शैलेश के पास एक पिस्टल भी है। मीसा के नाम पर पटना के बिहटा और फुलवारी, पति शैलेश के नाम मुजफ्फरपुर और बिहटा, तो बेटी गौरी और दुर्गा के नाम पर पटना, खगौल, फुलवारी और मुजफ्फरपुर में जमीन के कई प्लॉट है जिसमें खेती के जमीन भी है। बता दें कि अभी राज्यसभा में आरजेडी के कोटे से 5 सांसद हैं, जिनमें से प्रेमचंद्र गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह, मनोज झा, अहमद अशफाक करीमी और मीसा भारती शामिल हैं। मीसा भारती का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। वे प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का टर्म अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है, जबकि मनोज झा और अहमद अशफाक का टर्म अप्रैल 2024 में पूरा होगा। कुल मिलाकर देखें तो आरजेडी के दोनों नेता राज्यसभा सांसद बनेंगे और दोनों के बीच काफी समानताएं भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।